खुशियाँ होनी चाहिए उन लोगों की जो संगठन में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, कि उसको लेकर भी बातचीत आज हुई है? नहीं, इतना डिटेल में तो नहीं हुआ, इतना टाइम नहीं था, पर उसका जिक्र राहुल जी ने भी किया, जैसे बोर्ड में है, कॉर्पोरेशन में है, कोई चेयरमैन बन रहे हैं, कोई वाइस चेयरमैन बन रहे हैं, जब हम उनको मान सम्मान देंगे, कोई जीवावारी देंगे, तभी वो फील्ड में जाकर काम करेंगे। इस बात को भी गंभीरतापूर्वक हमारी सरकार भी ले और संगठन के साथ तालमेल बनाकर चुनाव लड़ने की बात हम कर ही रहे हैं। साथ इस वक्त मौजूद हैं, मैम आज अहम बैठक हुई है दिल्ली में, सरकार और संगठन के तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए थे, क्या कुछ बैठक में खास था? देखिए, ये जो 24 का इलेक्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस बात को लेकर हमने बार बार आग्रह किया था कि जल्दी ये निर्णय होना चाहिए कि किन किन कैंडिडेट्स को आप फील्ड में उतारने जा रहे हैं, किन को टिकट देना है जो इलेक्शन जीत सकते हैं, वही सबने उस बात पे स्ट्रेस किया। और कुछ संगठन को लेकर भी हमने जो अपडेट देना था खड़गे जी को या राहुल जी को, उसके उसी ने भी हमको अवगत करवाया, और हम चाहते हैं कि हमारे को निर्देश दिए जाए और जल्दी ये फैसले जो अटके हुए हैं इस पर निर्णय हो, ताकि हम फील्ड में जाकर काम करना शुरू करें। लगातार मैम एक साल सरकार को बने हुए हो गया है, आप लगातार अब मांग उठाती रही हैं, आवाज़ उठाती रही हैं कि नियुक्तियां होनी चाहिए उन लोगों की जो संगठन में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, कि उसको लेकर भी बातचीत आज हुई है? नहीं, इतना डिटेल में तो नहीं हुआ, इतना टाइम नहीं था, पर उसका जिक्र राहुल जी ने भी किया, जैसे बोर्ड में है, कॉर्पोरेशन में है, कोई चेयरमैन बन रहे हैं, कोई वाइस चेयरमैन बन रहे हैं, जब हम उनको मान सम्मान देंगे, कोई जीवावारी देंगे, तभी वो फील्ड में जाकर काम करेंगे। इस बात को भी गंभीरतापूर्वक हमारी सरकार भी ले और संगठन के साथ तालमेल बनाकर चुनाव लड़ने की बात हम कर ही रहे हैं, तो वो जल्दी होनी चाहिए। जी, एक सवाल मैम ये भी लगातार उठ रहा है कि मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि अगर हम हिमाचल की बात करें 10 गारंटियों को लेकर हाल फिलहाल में शीत सत्र में बीजेपी काफी आक्रामक रही है, क्या देखती है 24 में? देखिए, हमने बहुत इलेक्शन देखे और हर इलेक्शन में यही रुख रहता है बीजेपी का। जी, वो आक्रामक रुख तो दिखाती है, पर धरातल पर कितना है और जमीन पे उसका कितना, वो उस बात को उतार पाते हैं, ये बात पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस की जीत हुई, कांग्रेस की सरकार बनी, और हालांकि इनके पास तो बड़े बड़े लीडर थे जैसे जगत प्रकाश नड्डा जी थे, अनुराग ठाकुर थे, मोदी जी स्वयं 8-10 बार हिमाचल प्रदेश आए, तो ये बात नहीं है। इसके लिए मैं ये बोलूँगी कि लोग बहुत अच्छी तरह से अब समझते हैं कि हमको किसको आगे लाना है और किस पार्टी को हमने अपनी सत्ता सौंपनी है, ताकि वो एक जो हम चाहते हैं कि देश में बदलाव हो। मोदी सरकार को बहुत देख लिया, बहुत देख लिया, उनके काम करने को देख लिया, तो लोग अब इस मोदी फैक्टर से हटकर, क्योंकि मोदी जी क्यों आकर्षक बने उस वक्त, क्योंकि मोदी जी ने कहा था, महंगाई को लेके बात की, उन्होंने कहा कि एक गैस का सिलेंडर 450 रुपए का, आप मुझे मौका दें, मैं इसको कीमत को घटाऊंगा। स्मृति ईरानी भी आई, जगह जगह वो सिलेंडर लगाकर प्रदर्शन किया गया, तो ना वो उसकी कीमत घटी और ना ही जो उन्होंने और वायदे भी किए, और भी कहा था कि हम युवाओं को पूरे भारतवर्ष में 2 करोड़ बच्चों को रोजगार प्रदान करेंगे, ना वो धरातल पे उतरा। उन्होंने कहा हर खाते में 15 लाख आएंगे, वो भी कोई हमको देखने को नहीं मिला। तो ऐसी ये डबल इंजन की बात करते थे कि आज हमारे पास मोदी सरकार और उस वक्त हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, तो इन्होंने जो जो वायदे किए वो कोई भी वायदा ऐसा नहीं था जो जिसको ये पूरा कर पाए। अब हमको इन्हीं बातों को लेकर अब मैदान में उतरना है। कांग्रेस की सरकार हमारी बनी है, सरकार ने क्या क्या काम किया, खास करके हमारे डिजास्टर के टाइम, जब इतना बड़ा डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में आया, हज़ारों लोगों के मकान चले गए, 450 लोग मर गए और कितनों की भूमि चली गई, उस वक्त केंद्र सरकार ने हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं की, तो हमारी सरकार ने ही ग्राउंड पे उतर कर 4,500 करोड़ की धनराशि लोगों को दी है, और जहाँ जहाँ भी घटनाएं हुई उन सभी को मदद पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। तो ये कुछ विषय हैं जिसको लेकर हमें अब ग्राउंड पर उतर कर लोगों को बताने की। जी, एक आखिरी सवाल, आपकी अध्यक्षता में 2022 का चुनाव कांग्रेस ने जीता,
अगर मंडी संसदीय क्षेत्र से 2024 में आप चुनाव लड़ती हैं तो ये जिम्मेदारी भी साथ के साथ आप निभाएंगे या इस पर भी कोई फेरबदल इस कुर्सी में हो सकता है? ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो हाईकमांड ने देखना है कि हमने किन क्यों आपने मुझे वो जिम्मेवारी थी और कहाँ उसमें कमी रही। जो पिछले विधानसभा के चुनाव हुए उसमें मैंने पूरा प्रयास किया कि जहाँ जहाँ मुझे भेजा गया मैंने कम से कम 48 जनसभाएं संबोधित की और हर क्षेत्र, चाहे वो दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र था, जहाँ शुक्ला जी ने मुझे कहा कि आपको इन क्षेत्रों में जाना है, उन क्षेत्रों में मैंने जाकर पार्टी को जिताने के लिए और पार्टी से बात करने के लिए मैं वहाँ पहुँची। अब भी मैं समझती हूँ कि इस चुनाव में भी ये मुझे जिम्मेवारी देंगे तो जो दी है उसको सामने रखते हुए हम लोग अवश्य ग्राउंड पे उतरकर पार्टी को और मजबूत करेंगे और पार्टी को जिता कर लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। तो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद थी। साफ तौर पर कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र से मोदी सरकार का सफाया हो और कांग्रेस की चारों सीटें हिमाचल प्रदेश, जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस ने वादा किया है, दावा किया है कि चारों खाने बीजेपी को चित किया जाएगा। हालांकि देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस इस लक्ष्य को भेद पाती है या फिर नहीं। फिलहाल ये इतना ही। नमस्कार।